कहाँ से आए हैं जी? कोरबा से आए हैं जी। जी, ये इससे पहले आप लोग कहीं सुने हुए महापुराण? हम लोग YouTube में, Facebook में सुनते रहते हैं। ये पहली बार है जो आप सामने देख रहे हैं, तो कैसा रहा आप लोग का अनुभव? इतने जो दिनों की मन की इच्छा थी ना, वो आज पूरी हो गई है। जी जी, महाराज जी को साक्षात दर्शन किए। जी जी, कहाँ से आए हैं? ककड़ी सरगांव। ककड़ी सरगांव से? मुंगेली जिला। मुंगेली जिला से। तो अभी ये पहला दिन आपको कैसा लगा यहाँ पर, अनुभव कैसा लगा? अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम हुआ है। आप भविष्य में ऐसा नहीं सोच सकते थे कि आपको यहाँ से बैकुंठ, यहाँ रुकने का इरादा है आप लोग का? और रुकेंगे? कुकड़ी बलौदा बाजार में दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा का भव्य शुभारंभ हुआ है, जो कि 2 जनवरी से 8 जनवरी को होने वाला है। जैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा स्थल पर पहुंचे, लोगों की भीड़ काफ़ी बढ़ गई और उसके बाद से काफ़ी हर्षोल्लास के साथ यह कथा का पहला दिन समाप्त हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों, जिस दिन का हमको इंतज़ार था वो आ गया है। आज 2 जनवरी है और आज से पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण कथा कुकड़ी बलौदा बाजार में स्टार्ट होने वाला है। मैंने पहले भी यहां का वीडियो बनाकर आपको अपडेट दिया था, तो आज मैं आ गया हूं और लगभग स्टार्ट होने वाला है, 1 बजे से स्टार्ट होता है। तो चलिए चलते हैं कथा पंडाल में, वहाँ जाके भक्तजन श्रद्धालुओं से बात भी करेंगे और आपको शिव महापुराण कथा का थोड़ा सा टीज भी देंगे। तो चलिए चलते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं अभी कोकड़ी। आपको लोग देख सकते हैं, पूरा पार्किंग एरिया है ये पीछे में। और मैं बाईपास वाले रोड से आया था क्योंकि ये रोड थोड़ा खाली है। आप लोग बलौदा बाजार से कोकड़ी आओगे तो वो वाला रास्ते में काफ़ी भीड़ है, तो आप लोग भी आना तो इसी बाईपास से आना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में बता दूंगा लोकेशन इसका। और चलिए चलते हैं अभी पार्किंग के पास, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है कथा और थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, चलते हैं। विश्व विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे भक्तजन श्रद्धालु आए हुए हैं और उनके रुकने की यहाँ अच्छी व्यवस्था पंडाल के अंदर ही कर दी गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ सामने का जो स्थल है यह VIP स्थान है, जहाँ कुछ खास लोगों को ही रुक कर कथा सुनने का अवसर मिलेगा। लेकिन किसी भी श्रद्धालु भक्तजन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि पंडाल के अंदर अलग अलग जगहों पर प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, जिनसे दूर में स्थित रहकर भी श्रद्धालु भक्तजन कथा का आनंद ले सकते हैं। जैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा स्थल पर पहुंचे दोस्तों, उसके बाद से भक्तजन श्रद्धालुओं की यहां काफ़ी भीड़ हो गई और कथा के पहले ही दिन लगभग 2 लाख से भी अधिक श्रद्धालु भक्तजन कथा सुनने के लिए आए। इनमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों और बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर अलग राज्यों से भी काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ कथा सुनने के लिए आए थे। आप लोग देख सकते हैं कि मैदान और रोड पर कितने सारे श्रद्धालु हैं। सभी भक्तजन श्रद्धालु दोस्तों मंत्रमुग्ध होकर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने लगे और आनंदमय प्रतीत करने लगे। जैसे ही कथा का समापन हुआ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं जुलूस भी निकाला गया, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और नाच रहे हैं। कहाँ से आए हैं? ककड़ी सरगांव। ककड़ी सरगांव से? मुंगेली जिला। मुंगेली जिला से। तो अभी ये पहला दिन आपको कैसा लगा यहाँ पर, अनुभव कैसा लगा? अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम हुआ है। आप भविष्य में ऐसा नहीं सोच सकते थे
कि आपको ऐसे बैकुंठ यहाँ रुकने का इरादा है आप लोग का? अभी आप रुकेंगे और रुकेंगे? सोचा था कभी जी 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 अच्छा लग रहा है। पूरा परिवार आए हैं? पूरा सब परिवार आए हैं जी जी जी। पहला दिन था कैसा? पहला दिन बहुत बहुत अच्छा लगा जी जी जी। ये हमारी बेटी है अंशु पांडे जी जी, बहुत अच्छा लगा। कोरबा से आए जी जी। ये इससे पहले आप लोग कहीं सुने हुए महापुराण? हम लोग यूट्यूब में फेसबुक में सुनते रहते हैं। ये पहली बार है जो आप सामने देख रहे हैं, तो कैसा रहा आप लोग का अनुभव? बहुत अच्छा। इतने जो तीनों की मन की इच्छा थी ना, वो आज पूरी हो गई है। महाराज जी को साक्षात दर्शन किए जी जी। हमेशा टीवी में यूट्यूब में देखते थे, फेस टू फेस देखे हम लोग, तो हम लोग बहुत अच्छा लगा। साक्षात महादेव का दर्शन हो गया जी जी। कोकड़ी बलौदा बाजार में भक्तों का, श्रद्धालुओं का यह जन सैलाब देखकर दोस्तों आप एक बात तो ज़रूर समझ गए होंगे कि सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कितने भक्त जन हैं और वह विश्वविख्यात क्यों है। आप भी आना चाहें दोस्तों तो 2 जनवरी से 8 जनवरी तक यह कथा होने वाली है, आप लोग ज़रूर आए। अगर आप लोग मुझसे मेरा अनुभव जानना चाहेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए मैं भी इस कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया और काफ़ी आनंदमय महसूस करने लगा। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।